नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के बड़े नेताओं के साथ, खासकर भाजपा नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात G20 के बहाने दिल्ली में हुई है। सियासत तेज है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके मायने क्या है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। G20 समिट चल रहा है और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हर किसी को निमंत्रण मिला, नीतीश कुमार जी को भी निमंत्रण मिला। उसी बाबत नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं। राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। एक कॉमन कर्टेसी होती है, वो अमूमन आपको देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेकर राजनीतिक कयास लगाते हैं, इसमें बेबुनियादी बातें हैं। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है कि इंडिया के स्वरूप में इतना बड़ा गठबंधन तैयार हुआ सबके सहयोग के साथ, और बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी गठबंधन की राजनीति है वो अपनी जगह पर है, और इस तरह की बैठकों आयोजनों में शामिल होना एक अलग चीज़ है। आपने देखा है कि अन्य मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं, सबसे उनकी मुलाकात हुई है, तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। देखिए, मुस्कुराहट है, 16 महीने के बाद नीतीश कुमार जी से खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होती है, इसके मायने क्या कुछ? और उसके साथ हेमंत बिस्वा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। ये भी तो कहिए कि भाई ममता बनर्जी जी भी हैं, हेमंत सोरेन जी भी हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी हैं, और नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, वो हंसमुख रहा है, शुरू से हंसमुख रहा है। आपसे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, आमजनों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं या प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो हंसकर ही तो मिलते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और नीतीश कुमार जी की विचारधारा, उनकी राजनीतिक शैली की खूबसूरती। डिनर पार्टी के बहाने कुछ मतलब राजनीतिक क्यास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो है कि सब बेबुनियाद है। मैंने कह दिया, निराधार है, कहीं कोई तथ्य और आधार नहीं है। राजनीति और जो गठबंधन का स्वरूप है वो अपनी जगह पर है, और इस तरह के आयोजन अपनी जगह पर। अनुप्रिया पटेल जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की मंत्री हैं, आप नीतीश कुमार जी की बिरादरी से खासतौर पर आती हैं, तो ऐसे में कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ नया मतलब? हम आप हम सब एक ही बिरादरी के हैं, और वो है इंसानियत, और नीतीश कुमार जी उसी चश्मे से हर किसी को देखते हैं। लेकिन भाजपा एक और सवाल उठा रही है सर, कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी का नाम, लालू यादव जो है कि नीतीश कुमार जी का भी नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का भी नाम ले रहे हैं, ऐसे में जो है कि समझ जाना चाहिए उनको कि आखिर कौन किनको तवज्जो ज़्यादा दे रहा है, बीजेपी का ही कहना है। हमें तवज्जो देश की जनता को देना है, और नीतीश कुमार जी के विषय में एक ही लाइन है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, प्राथमिकता में है विपक्षी एकजुटता, और वो सुनिश्चित हो रही है। अगर भाजपा दावत देगी गठबंधन में आने के लिए NDA में, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? बेबुनियादी सवाल है, सवाल ही गलत है। नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है, और आगे हम इसमें काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। अभिषेक झा हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे जो है कि मायने हैं निकाले जा रहे हैं, लेकिन बेबुनियाद हैं। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मतलब नीतीश कुमार को तवज्जो दे रही है, तो ऐसे में सियासत तेज़ है, लेकिन आने वाले वक्त में तय हो पाएगा किसके राजनीतिक मायने कुछ निकलेंगे या नहीं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, इसमें भी ये तस्वीर जो वायरल हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़े मायने ज़रूर रखते हैं। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफताब आलम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन, और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।